दोस्तों, आज मैं आपको इंडियन मार्केट की वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम मैक्सी स्कूटर एप्रिलिया SXR 160 की कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ। एप्रिलिया SXR 160 चार कलर वेरिएंट में अवेलेबल है, जिसमें से अभी आप मैट ब्लू कलर वेरिएंट को देख रहे हैं। इस स्कूटर की एक शोरूम प्राइस कोलकाता है 1,29,602 रुपीज। मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ स्पीड ऑटो हावड़ा के शोरूम में। अगर आप हावड़ा या फिर कोलकाता से हैं तो इस स्कूटर की ऑन रोड प्राइस एंड फाइनेंस स्कीम जानने के लिए डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू दी बाइकर्स डायरी यूट्यूब चैनल, और मैं हूं अमिताभ, सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल की और एक नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर दी बाइकर्स डायरी फैमिली से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी एंड फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, अगर आप मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो उससे मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस स्कूटर का लुक्स को लेकर। दोस्तों, इस स्कूटर का डिजाइन, कलर कॉम्बिनेशन, ग्राफिक्स इस तरह से किया गया है जिसे देखने से ही पता चलता है कि ये एक प्रीमियम स्कूटर है। सामने की तरफ यहाँ पे एक ब्लैक कलर का विंड वाइजर मिलेगा। इसके ऊपर में यहाँ एप्रिलिया बैजिंग भी किया गया है। इस स्कूटर में LED DRL के साथ फुल्ली LED हेडलाइट दिया गया है, और दोस्तों ये हेडलाइट तीन पार्ट में डिवाइडेड है, जिसके वजह से अच्छी विजिबिलिटी आपको मिल जाएगा। इस हेडलाइट की साइड में ही LED टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों, स्कूटर का फ्रंट मडगार्ड की साइड में ABS बैजिंग मिलेगा, साइड में यहाँ पे ग्राफिक्स मिलेगा, और फुटबोर्ड के नीचे एप्रिलिया बैजिंग भी किया गया है। रियर साइड काउल में एप्रिलिया SXR 160 बैजिंग देखने को मिलेगा। दोस्तों, स्कूटर में फुल्ली LED टेललाइट के साथ LED टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ टेललाइट के ऊपर एप्रिलिया बैजिंग भी देख पाएंगे। मैट फिनिश इंटीरियर यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे एप्रिलिया का 3D बैजिंग मिलेगा। नीचे यहाँ पे ब्लू पैनल्स दिया गया है, यहाँ पे एक हुक मिलेगा, और इसके बगल में ही इग्निशन की को दिया गया है। नीचे वाला पार्ट इग्निशन की को दबा के ओपन करना पड़ेगा, और इसके अंदर में USB टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट के साथ काफी बड़ा स्पेस आपको मिलेगा, छोटा मोटा सामान आप इसमें कैरी कर पाएंगे। फुट स्पेस की तरफ देखे तो मुझे ये फुट स्पेस थोड़ा छोटा लगा, हालांकि इस फुट स्पेस में आप पैर आसानी से रख पाएंगे, लेकिन पैर को स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे। मैक्सी टाइप स्कूटर में थोड़ा और बड़ा लेग स्पेस होना चाहिए था। स्विच कंसोल की तरफ देखें तो राइट साइड में इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्विच एंड मीटर कंसोल का मोड चेंजिंग स्विच मिलेगा। लेफ्ट साइड में मिलेगा पास बीम, हाई लो बीम, इंडिकेटर एंड हॉर्न स्विच। इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ देखें तो स्कूटर में व्हाइट बैकलिट वाला फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा। इस इंस्ट्रूमेंट कंसोल में वेदर टेम्परेचर, एवरेज माइलेज, मैक्सिमम माइलेज, एवरेज स्पीड, मैक्सिमम स्पीड, बैटरी वोल्टेज, फ्यूल मीटर, हेलमेट रिमाइंडर, टेकोमीटर, स्पीडोमीटर, क्लॉक, ट्विन ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, इनकमिंग कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट, टर्न लाइट इंडिकेटर, हाई बीम इंडिकेटर, ABS इंडिकेटर, इंजन मैलफंक्शन इंडिकेटर भी दिया गया है। ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंस्ट्रूमेंट कंसोल है। दोस्तों, इस स्कूटर में वाइड एंड कंफर्टेबल सिंगल सीट दिया गया है, और रियर साइड में मेटल पिलियन ग्रैबर भी यहाँ पे मिलेगा। इस स्कूटर की सीट के नीचे 8 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस मिलेगा, और इस बूट में बूट लाइट भी दिया गया है, और स्कूटर का फ्यूल फिलिंग कैप सीट के नीचे ही है। और दोस्तों, स्कूटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 7.2 लीटर। इंजन की तरफ देखें तो ये वही इंजन है जो एप्रिलिया SR 160 में दिया जाता है। ये BS6 कंप्लायंट 160.03 cc 3 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है। इस इंजन का मैक्सिमम पावर है 10.84 bhp एट 7100 rpm एंड मैक्सिमम टॉर्क है 11.6 न्यूटन मीटर एट 6000 rpm। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो स्कूटर का फ्रंट व्हील में ट्विन पिस्टन कैलिपर वाला 220 मिलीमीटर डायमीटर का डिस्क ब्रेक मिलेगा। और दोस्तों, स्कूटर में सिंगल चैनल ABS भी दिया गया है, आप यहां पे ABS सेंसर एंड ABS सेंसर प्लेट को देख सकते हैं। इस स्कूटर के रियर व्हील में मिलेगा 140 मिलीमीटर डायमीटर वाला ड्रम ब्रेक। इस स्कूटर का फ्रंट साइड में 30 मिलीमीटर डायमीटर का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यहां पे दिया गया है। और दोस्तों, स्कूटर का चेसिस अंडरबोन टाइप चेसिस है, और स्कूटर का रियर साइड में 2-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा। दोस्तों, स्कूटर की फ्रंट एंड रियर दोनों व्हील्स में ही 120x70 साइज का ट्यूबलेस टायर मिलेगा, और ये दोनों रिम ही 12 इंच डायमीटर का अलॉय रिम है। तो दोस्तों, ये था एप्रिलिया SXR 160 का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू। आपको ये स्कूटर कैसा लगा? इस स्कूटर के बारे में आपका ओपिनियन क्या है, कॉमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। Thanks for watching guys, ride safe, Jai Hind, ciao.